हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं BSc AG फोर्थ सेमेस्टर का प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत टॉपिक इंट्रोडक्शन टू सीड इन इंडिया, या फिर तो हिस्ट्री ऑफ सीड टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री ऑफ सीड्स इंडस्ट्री इन इंडिया, या फिर डेवलपमेंट ऑफ सीड इंडस्ट्री इन इंडिया। मतलब भारत में सीड का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे इसके टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, इसके इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग स्टडी करते हैं स्लाइड के माध्यम से। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपके सामने सेकंड स्लाइड पर दिख रहा है कि सीड इंडस्ट्री इन इंडिया, तो पहली बात, सीड इंडस्ट्री इरा जो है वो दो भागों में बांटा गया, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। मतलब कि जो मतलब कि भारत जो है, इंडिया जो है, जब स्वतंत्र हुआ उससे पहले का जो थोड़ा हिस्ट्री है उसके बारे में, उसके बाद का जो हिस्ट्री है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस में। तो बिफोर इंडिपेंडेंस में सबसे पहले 1905 में 5 एग्रीकल्चरल कॉलेज बनाए गए, जिससे सोबौर में, लैलपुर में, पुणे, कानपुर, कोयम्बटूर में। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर रिसर्च स्टार्ट हो गया, जो कि कॉटन पर, व्हीट पर, ग्राउंड नट पर और शुगर पेन पर स्टार्ट हुआ यहाँ पर रिसर्च। तो उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टुक अप टास्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड एंड इंप्रूव्ड स्ट्रेंथ ऑफ टू मेथड। मतलब कि दो तरीकों से जो स्टेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का था वो स्टार्ट किया बीजों का प्रजनन और बीजों का मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन, एक जगह से दूसरी जगह बंटवारा। तो पहले मेथड में क्या था, डिपार्टमेंट मल्टीप्लाई द सीड एट वन लोकेशन डिस्ट्रीब्यूट टू द फार्मर। पहले लोकेशन में था कि जो गवर्नमेंट थी, वह जो मतलब जो डिपार्टमेंट था वो एक जगह पे सारा मल्टीप्लीकेशन करती थी सीड का, उसके बाद वो हर जगह फार्मर्स को बंटवारा बांटती थी। दूसरे मेथड में क्या था कि डिपार्टमेंट जो था वह छोटे क्वांटिटी में सीड फार्मर्स को देती थी और फार्मर्स से चाहती थी कि फार्मर्स खुद उसका मल्टीप्लीकेशन करके उसे अपने सीड के रूप में यूज करें। तो पहला मेथड जो था अब बंगाल में जूट के लिए और पैडी के लिए अप्लाई किया गया, और जो दूसरा मेथड था उत्तर प्रदेश में, यूनाइटेड प्रोविंस में पैडी सीड के लिए यूज किया गया। उसके बाद आगे जो था, सेकंड मेथड इज इफेक्टिवली एंड रिकमेंडेड बाय हार्वर्ड 1928 के द्वारा, हार्वर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा सेकंड मेथड को ही इफेक्टिव और रिकमेंडेड माना गया, अच्छा माना गया। सेकंड मेथड ठीक है कि फार्मर्स अपना लेके खुद ग्रो करें और खुद उसका मल्टीप्लाई करें। सेवरल सीड मल्टीप्लीकेशन लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश इन द ईस्ट, हर राज्य में छोटे छोटे मल्टीप्लीकेशन सीड मल्टीप्लीकेशन लेबोरेटरी स्थापित की गई। सीड ऑफ हर्ड मल्टीप्लाइड ऑन लैंडलॉर्ड और फार्म्स, मतलब जो कि लैंडलॉर्ड के फार्म थे, जो मतलब बड़े बड़े साहूकारों के फार्म्स थे, उन पर सीड का मल्टीप्लीकेशन किया जाने लगा। प्रोविजन ऑफ लाइब्रेरी लोन्स वर आल्सो मेड टू इंक्रीज द यूजेज ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स, लोन भी इसके लिए प्रोवाइड करने लगे, सब लोग अच्छा सीड यूज करने लगे। 1922 में यूपी जो यूनाइटेड प्रोविंस है, एस्टेब्लिश सीड स्टोर एट ईच तहसील, मतलब हर तहसील पर सीड का स्टोर होने लगा। उसके बाद इन 1925 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉन्स्टिट्यूटेड, रॉयल कमीशन RCA जो था उसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया। उसके बाद आगे हम लोग बात करें सजेशन ऑफ रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन का क्या सजेशन था, तो देयर शुड बी अ सेपरेट डिपार्टमेंट विद इन द एग्रीकल्चर टू डील सीड डिस्ट्रीब्यूशन सीड टेस्टिंग। इसका कहना था कि जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन है, सीड का बंटवारा है और सीड की जो टेस्टिंग है, उसके लिए एक अलग से ही डिपार्टमेंट बनाया जाए कृषि में। सीड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट इज सेल्फ सस्टेनिंग, ये खुद से अपने कार्य करेगी, ये जो यूनिट रहेगी। सीड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी ऑर्गेनाइज बाई कोऑपरेटिव, या कोऑपरेटिव के द्वारा, या फिर किसी एसोसिएशन के द्वारा, या सीड के व्यापारियों के द्वारा, या सीड के एजेंट्स, या फिर किन्हीं और के द्वारा चलाई जाएगी। उसके बाद सीड मर्चेंट्स ऑफ प्रूवन एंटरप्राइज शुड बी गिवन इनकरेज, और जो सीड के व्यापारी हैं उनको इनकरेजमेंट दिया जाएगा, मतलब कि उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा कि वो आगे का कार्य करें। उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन ऑफ रॉयल कमीशन सजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इसमें हेरफेर किया, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन डिफरेंट स्टेट, ये क्या कि हर क्रॉप का रिसर्च इंस्टीट्यूट अलग अलग राज्यों में स्थापित किया गया। उसके बाद इम्प्रूव्ड स्ट्रेन ऑफ पैडी, अच्छे पैडी के, गेहूं के, शुगर केन के, कॉटन के, जूट के, अन्य के अच्छे अच्छे स्ट्रेन तैयार किए गए। स्ट्रेन आर हाउएवर डेवलप्ड बट सीड मल्टीप्लीकेशन सीड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क डिड नॉट टेक प्लेस, मतलब जो स्ट्रेन था वो तो अच्छे किए गए, मल्टीप्लीकेशन भी अच्छे, लेकिन नहीं हो पाए, क्या सीड डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कतें आने लगी। आगे सीड 1947 से पहले में क्या था कि सीड वाज मल्टीप्लाइड ऑन सीड फॉर्म ऑन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड गो टू फॉर्म एंड रजिस्टर सीड ग्रोवर। पहले क्या था कि सीड को मल्टीप्लाई किया जाता था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सीड फॉर्म पर, उसके बाद वहां से रजिस्टर्ड सीड ग्रोवर्स के पास जाता था। अप टू ईयर 1939 तक वेजिटेबल सीड को जो था बाहर से ही खरीदा जाता था, लेकिन
1945 में प्राइवेट वेजिटेबल सीड कंपनी ने सीड तैयार करने लगी, जो कि क्वेटरा और कश्मीर के वैली में यह तैयार करती थी। उसका 1946 में वेजिटेबल सीड प्रोड्यूसिंग कंपनी आ गई, जो कि ऑल इंडिया सीड ग्रोवर्स करने लगी, मर्चेंट हो गए, उसके नर्सरी मैन एसोसिएशन हो गया, मतलब भारत में भी वेजिटेबल सीड्स तैयार होने लगे। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें, मतलब कि स्वतंत्र होने के बाद भारत के, तो उसमें पहला 5 ईयर प्लान के हिसाब चलता था, हर 5 साल पे एक प्लान आता था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 से 1956 तक चला, उसमें क्या था, ग्रो मोर फूड एक्यूनिटी कमेटी 1952 स्थापित किया गया। इसमें क्या था कि रिपोर्टेड दैट सीड इम्प्योरिटी वाज द मेन कॉज ऑफ फेल्योर प्रोग्राम, मतलब किसी प्रोग्राम को, मतलब सीड ग्रोविंग को या फिर किसी क्रॉप ग्रोविंग में सबसे बड़ा जो फेल्योर है वह है कि मतलब सीड की इम्प्योरिटी, सीड में क्या क्या खराबियां हैं उस हिसाब से। दूसरा, एक्सपर्ट स्टैंडिंग कमेटी 1952 में स्थापित की गई ICAR के द्वारा, जो क्या करती थी, अच्छे सीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को तैयार करने लगी, मतलब कि सीड अच्छा मिले। बेनिफिट्स ऑफ प्लान वाज फॉर्म बाई द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म अराउंड द स्टेट, हर राज्य में इस प्लान को, सीड को डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका, मतलब सब कुछ बदलाने लगा, जिससे सीड का प्रोडक्शन और सीड का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अच्छे से होने लगे। सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करें, जो कि 1956 से 1961 में चला, इसमें क्या था, फर्स्ट AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज प्रोग्राम, जो कि ICAR के द्वारा कोलैबोरेशन में रॉकफेलर फाउंडेशन पर हुआ, मतलब मक्के पर तैयारी की गई थी 1957 में। उसके बाद पहले ऑन द ईयर 1961 में 4 मेज के हाइब्रिड को रिलीज किया गया, और 1960 में AICRP सोरगम और बाजरा को भी लॉन्च की। उसके बाद करीबन इतना 4328 फार्म पर 10 हेक्टेयर ईच, हर जगह पर 10 हेक्टेयर में मल्टीप्लीकेशन कराते थे न्यूक्लियर सीड का ब्लॉक लेवल पर। उसके बाद आगे बात करें हम लोग, तो फर्स्ट इंडो अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टीम 1959 में हेल्प की डॉक्टर शेरमन ई जॉनसन का, जो कि फूड फाउंडेशन एग्जामिन्ड इंडियन फूड प्रोडक्शन प्रॉब्लम में, मतलब कि करते थे, मतलब कि ये पूरा मतलब रिसर्च करते थे इस पर कि फूड प्रोडक्शन कैसे भारत में अच्छा हो। इनका सजेशन था कि प्रॉपर एजुकेशन ऑफ फार्मर, मतलब फार्मर्स को प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए एक्सटेंशन वर्कर की मदद से, मतलब जिससे जब फार्मर्स के पास अच्छा एजुकेशन रहेगा तभी वो सब कार्य अच्छे कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वर्क ऑन सीड सर्टिफिकेशन, जो कृषि डिपार्टमेंट है वह सीड सर्टिफिकेशन पर कार्य करेगी, सीड को सर्टिफाई करेगी। कोऑपरेटिव एंड प्राइवेट सीड ग्रोवर्स टेक केयर ऑफ वर्क एंड सीड सप्लाई, जो कोऑपरेटिव रहेंगे और प्राइवेट सीड ग्रोवर रहेंगे वो सिर्फ सीड सप्लाई पर ध्यान देंगे। उसके बाद आगे जो है इसके अंतर्गत सेटिंग अप सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी ऑन स्टेट, हर राज्य में एक लैबोरेटरी की स्थापना की जाएगी। उसके बाद यूनिफॉर्म सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड, सीड लॉ फेवरेबल इकोनॉमिक क्लाइमेट के हिसाब से सारा कार्य किया जाएगा, मतलब सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड को तैयार किया जाएगा, सीड लॉ को तैयार किया जाएगा, बीज कानून को, उसके बाद क्लाइमेट को देख के सारा काम किया जाएगा। दूसरा, इंडो अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टीम 1959 हेडेड बाई डॉक्टर रंधवाना के द्वारा शुरुआत किया गया, इंडोर्स बाई फर्स्ट टीम ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या किया गया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान वाले में, मतलब जो कि PU प्रोग्राम इवोल्यूशन 1960 में था, ब्लॉक फार्म पर 10 हेक्टेयर रन इनटू लॉसेस एंड हैंडल्ड मोस्टली नॉन एग्री ग्रेजुएट्स, जो मतलब कि एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट नहीं थे उनके द्वारा भी 10 हेक्टेयर का मतलब कि किया जाने लगा। 5% सीड्स फार्म आर मेंटेनिंग द प्योरिटी, जो मतलब कि जितने फार्म्स पर होते थे उसमें से 5% सीड्स का प्योरिटी को मेंटेनेंस कराया जाता था, जिससे कि वह आगे के लिए मल्टीप्लाई किया जा सके। उसका लार्ज क्वांटिटी ऑफ इम्प्रूव सीड आर नॉट यूज फॉर सोइंग, अच्छे सीड जो अच्छे क्वालिटी के इम्प्रूव सीड हैं वह ग्रो नहीं किए जाते थे, मतलब कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ इम्प्रूव सीड आर नॉट यूज फॉर सोइंग, मतलब बुवाई के लिए अच्छे सीड्स का यूज नहीं होता था, जो नॉर्मल सब लोग यूज करते थे वही करेंगे, और जो था वो स्टोर या फिर तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन का कार्य किया जाता था। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्रीडर सीड वर नॉट मेड अवेलेबल ईच ईयर, हर साल ब्रीडर सीड का रिक्वायर्ड अमाउंट अवेलेबल नहीं हो पाता था। उसके बाद आगे ओनली हाइब्रिड मेज, केवल हाइब्रिड मक्का बाजरा सोरगम आर इंक्लूडेड इन सीड प्रोग्राम, सीड प्रोग्राम में मक्का बाजरा सोरगम ही इंक्लूड करा पाया गया था। उसका सेवरल वेराइटीज वर ग्रोन इन द सेम फार्म ऑफ सेम क्रॉप, मतलब सेम क्रॉप के कुछ अलग अलग वेराइटीज उसी पर ग्रो कर दी जाती थी। कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक वर नॉट एज प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफाइड वॉल्यूम वेराइटी, मतलब जैसी वेराइटी की जरूरत थी वैसा नहीं हो पाता था, या थोड़ा सा दिक्कतें आने लगी थोड़ा थोड़ा जब मतलब रिसर्च वहां पर इवोल्यूशन किया गया। तो फाउंडेशन सीड वॉज नॉट फुल्ली यूटिलाइज,
हर जगह फाउंडेशन सीट का यूटिलाइज नहीं होता था। इम्प्रॉपर इंस्पेक्शन वर मेड, जो इंस्पेक्शन करने के लिए सीड इंस्पेक्टर रखे गए थे वो भी अच्छे से कार्य नहीं करते थे। मार्केटिंग वर्क लाइज ऑन द हेड ऑफ प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर थे मतलब जो उत्पादक थे उन्हीं पर मार्केटिंग चलता था। नॉन यूजेज ऑफ इम्प्रूव सीट, अच्छे इम्प्रूव सीट का यूज नहीं हो पा रहा था। फॉल्टी सीड प्रोसेसमेंट, मतलब सीड का अच्छा कार्य नहीं था। डिफेक्टिव सीड प्रोसेसिंग, सीड के प्रोसेसिंग में डिफेक्टिव मेथड थे। जर्मिनेशन एंड प्योरिटी रिगार्डिंग कंप्लेंट्स, कई प्रकार के जर्मिनेशन और उसके शुद्धता पर कंप्लेंट्स आते थे। कोऑपरेटिव नॉट इंटरेस्टेड इन सेल ऑफ सीड, जितने भी कोऑपरेटिव थे वह बीज के बीच बिक्री में कोई ध्यान नहीं देते थे। तो ये सभी दिक्कतें आने लगी जब रिसर्च किया गया। तो कमिटी ऑफ प्लांट प्रोजेक्ट रिव्यू 1961, इसने क्या मतलब इसके बाद रिव्यू के बाद क्या क्या प्लांट प्रोजेक्ट्स किया गया, तो इसके द्वारा जो रिव्यू किया गया, मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलेट ऑयलसीड एंड पल्स शुड बी कैरिड आउट, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन मतलब कि बहुत ज्यादा नंबर में मल्टीप्लिकेशन करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन विभाजन करना मिलेट्स का और ऑयलसीड का और उसके बाद पल्सेस का, यह शुरू किया गया। ब्रीडर सीड शुड बी अंडर कंट्रोल ऑफ क्रॉप स्पेशलिस्ट, जो क्रॉप स्पेशलिस्ट होंगे उन्हीं के अंदर ब्रीडर सीड को मल्टीप्लाई कराया जाएगा। प्लान टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट, मतलब मेनली जो इम्पॉर्टेंट है उसको कवर किया जाएगा। एडिक्वेट प्रोविजन टू मेट सीड डिस्ट्रीब्यूशन, सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अच्छा व्यवस्था तैयार किया जाएगा। सजेशन टू मेंटेन द सीड स्टैंडर्ड, और कई तरीके दिए जाएंगे जिससे कि सीड स्टैंडर्ड सीड की गुणवत्ता को मेंटेन किया जा सके। ठीक, तो ये सेकेंड फाइव ईयर प्लानिंग के अंतर्गत था। थर्ड फाइव ईयर प्लानिंग 1961 से 1966 तक चला। इसमें क्या था, चार हाइब्रिड मैच के तैयार किए गए 1961 में। हाइब्रिड प्रोग्राम, जो हाइब्रिड हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम था 1966 में मेज बाजरा पैडी व्हीट के लिए चालू किया गया। कमेंसमेंट ऑफ एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन 1963 में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा तैयार किया गया, जिसका मेन मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाउंडेशन सर्टिफाइड सीड कॉर्पोरेशन, जहां पर फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड का कॉर्पोरेशन है उसको एस्टेब्लिश किया जाए। टू इनकरेज एंड असिस्ट प्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग सीड, सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, सीड लैंड एनफोर्समेंट, कई प्रकार के सीड के मार्केटिंग के लिए, सीड के सर्टिफिकेशन के लिए और सीड के कानून के लिए, बीज के कानून के लिए ध्यान दिया जाए। उसके बाद इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन सीड प्रोग्राम, सीड प्रोग्राम पर ट्रेनिंग दी जाने लगे। एक्ट एज कोऑर्डिनेटर ऑफ सीड प्रोग्राम्स, कोऑर्डिनेटर के यूज में यूज कर, मतलब सीड प्रोग्राम के ध्यान देने लगे, मतलब सीड प्रोग्राम में कोई गलतियां ना हो। कुछ बात करें एनएससी जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, इसके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के, तो इसके अचीवमेंट है कि इसने साइंटिफिक सीड इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से बढ़ावा दिया, इनकरेज किया इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को सीड प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद आगे बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ फील्ड इंस्पेक्शन मेथड, जो फील्ड इंस्पेक्शन था, मतलब जो लोग इंस्पेक्शन करते थे इंस्पेक्टर्स, उनको उसका डेवलपमेंट हो गया। अच्छे से सर्टिफिकेशन और लेबलिंग होने लगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्री रिलीज्ड वैरायटीज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो अच्छे वैरायटीज थे उनका मल्टीप्लिकेशन किया जाने लगा। उसका एनुअल प्लान 1966 से 1969, 1966 में इनेक्टेड एंड एनफोर्समेंट ऑफ सीड एक्ट, 1966 में सीड एक्ट को लागू किया गया। 1968 में सीड रिव्यू टीम को स्थापित किया गया। रिकमेंडेशन ऑफ सीड रिव्यू टीम 1968 के हिसाब से क्या क्या था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ वैरायटीज, सभी वैरायटीज का रजिस्ट्रेशन हो, खराब वैरायटी उसको निकाल के खराब फेंक दिया जाए। उसके बाद जो पहले से ही रिलीज पब्लिकली वैरायटीज हैं जो खराब है उनको अवॉइडेंस किया जाए, अच्छी वैरायटीज का यूज किया जाए। एस ए यू रोल फॉर फाउंडेशन सीड प्रोग्राम, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रोल हो क्या करने के लिए, फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोऑपरेटिव एंड प्राइवेट सेक्टर फॉर सीड प्रोडक्शन, प्राइवेट सेक्टर का भी उसके बाद कोऑपरेटिव का भी इन्वॉल्वमेंट हो सीड प्रोडक्शन के लिए। फोर्थ फाइव ईयर प्लान जो कि 1969 से 1970 तक चला, इसमें क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान टू सेलेक्टेड एरियाज ऑन बेसिस एनुअल रेनफॉल फॉर फूड प्रोडक्शन टारगेट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जहां जहां अच्छी बारिश होती थी वहां वहां पर टारगेट रखी कि इतना इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद इंडियन सोसाइटी ऑफ सीड टेक्नोलॉजी ISST जो था 1971 में कई प्रकार के एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके बाद सीड रिसर्च को शेयर किया और नए नए तरीके से टेक्नोलॉजी को शेयर किया। आगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, 1969 में TDC को एस्टेब्लिशमेंट किया गया, जो कि कई नेशनल सीड प्रोग्राम के अंतर्गत काम करती थी। उसके बाद TDC जो था यह अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बना कोऑपरेटिव के तहत, उसके बाद यह बहुत अच्छा कार्य भी करने लगा। TDC जो है रिनेम्ड हुआ उत्तर UP सीड एंड तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1 जुलाई 1978 में, और उसको TDC को UP सीड्स के नाम से
रख दिया गया उसका नाम बदल के। अगला हम लोग बात करें यूनिक फीचर ऑफ टीडीसी। टीडीसी के मतलब जो तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन था, इसके कुछ यूनिक फीचर्स थे। तो इसमें जीबी पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर का जो था और टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत और गाइडेंस में काम करता था। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंड लेवलिंग मैकेनाइजेशन, मतलब जमीन का शुद्धिकरण, मैकेनाइजेशन, इरिगेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, क्रेडिट आसो, बहुत तरीके से इसमें प्रोग्राम दिए जाने लगे। कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर होल्डर, सीड ग्रोवर के लिए इसमें शेयर होल्डिंग होने लगा, मतलब कई लोग मिलकर साथ काम करने लगे। साइंटिस्ट का जो था सुपरविजन और गाइडेंस के हिसाब से कार्य होता था। स्ट्रिक्ट इसमें एडिशनल इंस्पेक्शन होते थे, मतलब जो सीड इंस्पेक्टर थे वो अच्छे से चेकिंग करते थे। टेस्टिंग ऑफ रॉ सीड, जो नॉर्मली सीड था उसको टेस्टिंग होती थी, पैकिंग होती थी, पूरा इंश्योर क्वालिटी चेकअप होता था। मनी बैक गारंटी थी, मतलब कि जो करेगा वो अच्छा पाएगा। उसके बाद इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का भी अच्छा इसमें जोर रहा। उसके बाद आगे फिर था ईयर प्लानिंग में, जो 1974 से 1979 तक चला, इसमें नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर NCA के द्वारा रिव्यू किया गया कि इंडियन सीड इंडस्ट्री एंड सबमिटेड अ फाइनल रिपोर्ट। 1976 में एक रिपोर्ट जारी की विद द रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वैरायटल रजिस्टर्ड सीड इंश्योरेंस टैक्स बेनिफिट। इसमें क्या था कि सीड का इंश्योरेंस टैक्स, उसमें से जो मतलब कलेक्ट होता था टैक्स कलेक्ट होता था, सीड की प्रोसेसिंग, सीड के स्टोरेज रख रखाव, सीड पर जितने रिसर्च हो रहे थे, उसके बाद सीड के जो लॉ एनफोर्समेंट किए गए, सीड का सर्टिफिकेशन, ग्रो आउट टेस्ट, उसका अन्य प्रकार के जितने भी कोर्सेज थे वह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा ये सब चेकिंग किए जाने लगे कि इन सब पर अच्छे से कार्य हो। आगे NSP नेशनल सीड प्रोग्राम जो था 1975-76 में, इसके क्या क्या कैसे कार्य थे। तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सीड रिव्यू टीम 1968 के रिकॉग्नाइजेशन पर काम करती थी। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ NSA रिपोर्ट 1971 और 1976 के NSA रिपोर्ट पर, NCA रिपोर्ट के पर भी यह कार्य करने लगी। आगे हम लोग बात करें नेशनल सीड प्रोग्राम वाज लॉन्च विद द कोलैबोरेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। NSP जो था वो वर्ल्ड बैंक के कोलैबोरेशन पर तैयार किया गया था। NSP के फर्स्ट फेज को लॉन्च किया गया पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर सीड स्टेट कोऑपरेशन हर टेरिटरी में बनाई गई। NSP जो सेकेंड था, फेज सेकेंड, यह कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में लॉन्च किया गया और इसमें स्टेट सीड कोऑपरेशन को हर टेरिटरी में स्थापित किया गया। आगे जो है 6-5 ईयर प्लान में, तो सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 में आया, इसके बारे में हम लोग को अलग से स्टडी करना है, हम लोग इसके बारे में स्टडी किया जाएगा। उसके बाद आगे 7-5 ईयर प्लान में, इसमें क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को, सीड के जितने प्रोडक्शन यूनिट थे प्राइवेट या पब्लिक, सबको ग्रोथिंग दिया गया, सबको प्रमोशन दिया गया। उसके बाद अगला जो था NSP फेज थर्ड, वह लॉन्च किया गया 4 स्टेट में, असम, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात में, और वहां पर भी स्टेट सीड कॉरपोरेशन को स्थापित किया गया। अगला हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सीड डेवलपमेंट पॉलिसी 1988 से 1989 में रिलीज की गई, स्थापित की गई। इसमें क्या था कि अनदर सिग्निफिकेंट मिला, मतलब कि जो सीड इंडस्ट्री थी भारत की वो बहुत आगे तक ग्रो की और बहुत अच्छा भी ग्रो की। इस पॉलिसी में क्या था कि इंडियन फार्मर जो था बेस्ट था, सीड प्लांटिंग मटेरियल अच्छा होने लगा, भारत में हर जगह पर अच्छा सीड होने लगा, उगने लगा। उसके बाद आगे बात करें 8-5 ईयर प्लान 1992 से 1997 तक चला, इसमें ज्यादातर सीड प्रोडक्शन के जो था हाई टारगेट रखा गया और वो अचीव भी किया गया। इम्फेसिस गिवन ऑन सीड प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ राइस एंड अदर क्रॉप, राइस और अदर क्रॉप की कुछ अच्छे वैरायटीज पर ज्यादा जोर दिया गया। रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर सीड सेक्टर्स, मतलब पब्लिक और प्राइवेट सीड सेक्टर्स के क्या क्या रोल रहे। तो नंबर ऑफ कंपनीज इंगेज इन सीड प्रोडक्शन आर सिटेड अराउंड 400 से 500, करीबन 400 से 500 प्राइवेट कंपनियां इसमें कार्य की। उसके बाद जो मेन फोकस था वह था कि मक्के पर, सनफ्लावर पर, कॉटन पर, उसके साथ साथ वेजिटेबल सीड पर, प्लांटिंग मटेरियल ऑफ हॉर्टिकल्चर का पर भी ध्यान दिया जाए। और जो मेन फोकस था पब्लिक सेक्टर का वो था कि लो वैल्यू हाई वॉल्यूम सीड, मतलब कम वजनी में ज्यादा अच्छा सीड, ज्यादा सीड मिले सीरियल्स का, पल्स का, ऑयल सीड का, जिससे कि अच्छा ग्रोथ हो और अच्छा डेवलपमेंट हो और कंट्री का जो सीड के टर्म में है ग्रोथ अच्छा हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मैप दिया हो, इस मैप में हर जगह पर जैसे देखिए पंजाब में व्हीट और पैडी, यहाँ हरियाणा में व्हीट, मस्टर्ड और पैडी का दिया हो। तो इस तरीके से मैप में जो जहाँ जहाँ जिस सीड का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो मैप में दिखाया गया। तो स्टूडेंट्स आप इसे स्टडी करते हैं, कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप